नमस्कार दोस्तों, मेरा भी आप सबका स्वागत करता हूं आपके सपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आरकेडी टेक वर्ल्ड। तो आगे हम एक और टेक अनबॉक्सिंग के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूं अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज जैसे कि आज क्रिसमस है तो आप सबको मैरी क्रिसमस। मजा नहीं आया तो लगा लेते ये फिल्टर। तो स्पेशली आपके लिए आ गए सेंटा क्लॉस। हो हो हो, मैरी क्रिसमस गाइस। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. क्या सीधा गिफ्ट चाहिए आपको अभी? शाबाश। तो हमारे चैनल में ऑलरेडी एक गिव अवे चल रहा है, तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ सेंटा क्लॉस। हो हो हो। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। I'm OG, y'all new to the game. आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस ब्लूटूथ डोंगल का, जिसके थ्रू आप अपने पीसी में भी ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। तो जानेंगे कैसे इसको कनेक्ट करेंगे सारे डिटेल्स, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले इसके पैकेजिंग की बात कर ले तो इसमें आपको देखने मिल जाता है ऊपर की तरफ 4.0 टेक्नोलॉजी का है ये अभी ब्लूटूथ, जो कि आपको सिर्फ एक डोंगल देखने मिल जाएगा पैकिंग में ही। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करते आपको अंदर की तरफ एक सीडी मिल जाता है कनेक्ट करने के लिए इसको, जिसमें कि इसका सेटअप वगैरह है। बट आपके पास अगर विंडोज 10 है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी डायरेक्ट प्लग एंड प्ले हो जाता है। और ये आपका छोटा सा डिवाइस जो है ब्लूटूथ, जिसके थ्रू आप अपने पीसी में कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, हेडफोन्स वगैरह जो भी आप चाहो। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो इसको आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर के सीपीयू में कनेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं इसको, आप कोई भी यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हो, मेरे केस में मैं इसको 3.0 पोर्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको आपको इस तरह से कुछ कनेक्ट कर लेना है, डायरेक्टली इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये कनेक्ट हो गया, इसमें आपको एक ब्लू लाइट ग्लो होती हुई दिखेगी, देख सकते हो ब्लू लाइट ब्लिंक हो रहा है, तो मींस ये कनेक्टेड है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अपने पीसी में आ जाना है। या तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आपको आ जाना है, आपको कुछ भी कनेक्शन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है अगर आपके पास विंडोज 10 है। तो मेरे केस में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। आपको इसका सिंबल जो ब्लूटूथ का यहाँ पे भी दिखेगा, मैंने क्विक एक्सेस से इसको हटा दिया है। तो मुझे जाना है सर्च में, सर्च में मुझे टाइप करना है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ टाइप करते आपको ब्लूटूथ डिवाइस एंड सेटिंग मिल जाएगा जी। तो ये आप देख सकते हो ब्लूटूथ आपको शो हो रहा है, ऑन है। और इसमें अभी आपको मैं एक डिवाइस कनेक्ट करके बता देता हूँ, मैं शायद ब्लूटूथ हेडसेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं पावर ऑन कर रहा हूँ सबसे पहले, जितने पावर ऑन हो चुका है जी। हाँ, तो आपको इसमें ऐड ब्लूटूथ और डिवाइसेस में जाना है, इसमें ब्लूटूथ में क्लिक करना है। तो ये स्कैन करेगा ब्लूटूथ जी, तो इसका नाम शो हो रहा है आपको ब्लूटूथ ऑडियो। तो इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली उस पर क्लिक करके, कनेक्टिंग है। ओके, तो ये कनेक्टेड शो हो रहा है और रेडी टू गो। बस इसको डन कर लेना है आपको, आपको जो आपका ब्लूटूथ का नाम है यहाँ पे शो होने लगेगा। तो आप इसमें से अभी वॉइस और म्यूजिक दोनों ट्रांसफर कर सकते हो जी। हाँ, तो इतना सिंपल था इसको कनेक्ट करना, आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगेगा। आपके हेडफोन्स के लिए भी आपको कोई भी वायर्ड कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो अपने हेडफोन्स को। आपका हेडफोन ब्लूटूथ हेडफोन होना चाहिए ऑब्वियसली, और अगर हेडफोन आपका ब्लूटूथ नहीं है तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन है, जो आपको आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप उसमें जाके देख सकते हो आप अपने हेडफोन को ब्लूटूथ हेडफोन कैसे कन्वर्ट कर सकते हो जी। हाँ, आई होप आपको समझ गया होगा कि इसको कैसे कनेक्ट करना है आपको अपने कंप्यूटर के साथ। तो लास्ट में इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 250 से 400 के अराउंड देखने मिल जाएगा। कोई भी आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेस कर सकते हो। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया था क्योंकि मुझे वहाँ पे अच्छा डील मिला, आपको जहाँ से भी मिलेगा आप कर सकते हो। और मैंने इसका लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हो उसको भी। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट है इसके ऊपर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर आप नए हो चैनल पर तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको इस तरह के एक और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।